केंद्र सरकार ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है कि कोविड का खतरा बढ़ रहा है। कांग्रेस की शिकायत है कि बीजेपी जो राजस्थान में 60,000 किलोमीटर की और कर्नाटक में 52 विधानसभा सीटों पर यात्राएं कर रही है, उसे लेकर सरकार कोई चिट्ठी क्यों नहीं लिखती। इस मूल सवाल के साथ आज इस चर्चा को मैं ओपन करता हूं। गौरव भाटिया मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा के अंदर, साथ ही साथ मेरे साथ इस चर्चा में आलोक शर्मा है और अजीज खान है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। जो मेरा बड़ा मूल सवाल है, क्या राहुल गांधी की यात्रा से खतरा है और राजस्थान में जन आक्रोश यात्रा जो बीजेपी निकाल रही है उससे खतरा नहीं है? जवाब दीजिए इसका। अमित जी, सर्वप्रथम सारे दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि कोविड पूरे विश्व में दोबारा फैल रहा है और क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा भी राजस्थान से जा रही थी जहां संक्रमण दर बाकी प्रदेशों की तुलना में ज्यादा है। नहीं, वो चिट्ठी मैंने भी पढ़ी है और मैं बात पूरी कर लूं। आप सुनिए बात को, पूरा सुनिए। राजस्थान की आपने बात करी, आपको चिंता है राजस्थान से ये यात्रा निकल रही थी, लेकिन जन आक्रोश यात्रा भी राजस्थान से निकल रही है, उसकी चिंता नहीं है आप लोगों को? वहां पर कोविड नहीं फैलेगा? भारत जोड़ो यात्रा में कोविड फैलेगा? जन आक्रोश यात्रा की ये तस्वीरें हैं। पूछा जाएगा ना बीजेपी से कि राहुल गांधी के लिए अलग नियम, बीजेपी के नेताओं के लिए अलग नियम। जी, ये सवाल आपने पूछा दूसरी बार। हाँ, मैं आपको जानकारी दे दूं, जो स्टेट स्वास्थ्य जो होता है ये स्टेट सब्जेक्ट है संविधान के तहत, शेड्यूल 7 लिस्ट 2 एंट्री 6। आप खुद ही बोल रहे हैं कि ये राज्य का इशू है, लेकिन चिट्ठी आपने लिख दी है सीधा राहुल गांधी को, अब ये किसका इशू है? तो जन आक्रोश यात्रा में सतीश पुनिया को भी चिट्ठी लिख देते हैं एक लोग, आप लोग नहीं? देखिए, कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी। अरे तो शुरुआत घर से करते ना। सताया है, सताएंगे। जवाब तो देना पड़ेगा गौरव जी ना इसका भी। भाई ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी के नेता जहां पर जन आक्रोश यात्रा निकालेंगे वहां पर कोविड डर के मारे आएगा नहीं, उसे परमिशन लेनी होगी कि गौरव जी परमिशन है तब जाकर मैं आपकी यात्रा में एंटर करूं। और राहुल गांधी की यात्रा में वो जाकर फौरन जो है गले लग जाएगा। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मैं आपसे बड़ा सरल सवाल पूछ रहा हूँ, राजस्थान में जो जन आक्रोश यात्रा भारतीय जनता पार्टी की निकल रही है, क्या उसके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है? मेरा सीधा सवाल है, इसके पीछे कौन सा शेड्यूल है, कौन बनाता है, इसके तथ्य में क्यों जाना? मैं तो बड़ा सरल सवाल पूछ रहा हूँ। अगर आप बोलेंगे पास दिस क्वेश्चन तो आई पास दिस क्वेश्चन। हम तो गाइडलाइन पूरी तरह से मानने को तैयार हैं और मैं तो कह रहा हूं, मैं तो सबसे पहले मानूंगा। देखिए, मैंने तो मोमबत्ती भी जला ली, देखो सबसे पहले, मतलब मैं मोमबत्ती जला के बैठा, यही तो गाइडलाइंस थी बीजेपी दिया, मोमबत्ती सब तैयार है हमारा, यही गाइडलाइंस थी ना। गोबर का लेप लगा लो, गोमूत्र पी लो। मैं तो आज बिल्कुल सब न्यूज 24 पे लेके बैठा हूँ, बजा देता हूँ पूरा, मतलब गो कोरोना, गो कोरोना, गो 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 कोरोना।